उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के लीलासी गांव में जन चौपाल आयोजित की गई। इस चौपाल में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने विशेष तौर पर शिरकत की। उन्होंने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस एवं प्रशासन की समाज, जनपद, प्रदेश एवं देश में वही भूमिका है जो किसी परिवार में पिता की होती है। पिता परिवार चलाने के लिए उन सभी पहलुओं पर विचार कर घर का संचालन करता है जो भूत, भविष्य एवं वर्तमान के लिए हितकार होते हैं। जिस प्रकार पिता अपने संतानों के साथ भेदभाव किए बगैर उनकी उचित एवं आवश्यक आवश्यकताओं एवं मांगों की पूर्ति करता है, ठीक उसी प्रकार से शासन भी करता है। पिता के बनाए नियमों से घर परिवार का संचालन होता है, उसी तरह से समाज एवं देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं को वह पूरा करते हैं। पुलिस का कार्य बनाए गए नियमों का पालन करना हो। वहीं एसपी ने आगामी ग्राम प्रधान चुनाव के संबंध में आगाह किया कि वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान एवं भावी प्रधान प्रत्याशी चुनाव के दौरान ऐसी स्थिति कतई उत्पन्न ना करे कि एक गुट दूसरे गुट के खून का प्यासा बन जाए। इसी प्रकार की हरकत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस दौरान राजा चंडोल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य जयंत ने एसपी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर इंस्पेक्टर पंकज सिंह, इंस्पेक्टर बीजपुर श्याम, बहादुर यादव, सरोज, अजय कुमार सिंह, ब्रह्मदेव प्रसाद व बलराम समेत कई मौजूद रहे। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।